क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो सुरेंद्र, वो लोग यही थे। यही थे मतलब? वो लोग यहाँ नहीं है? नहीं। God. बोलो, तुमने तो कहा था कि तुम माल लेकर मेहर और पापा को मुझे वापस लौटा दोगे। You promise me? Sure, but that will take some time. सिर्फ अपना माल लेकर मुझे मेहर और पापा को वापस लौटा दो। अब मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी, because I have to settle in. और हाँ, तुम घर पे रहो और उस औरत से कहो ज्यादा एडवेंचरस बनने की जरूरत नहीं है, वरना दो चिताएं जलनी पड़ेगी। बाय बाय स्वीटी। मुझे मेरा बेटा चाहिए किसी भी कीमत पर, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो घर चलते। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। और घर जाके करेंगे भी क्या हम इंतजार? कितना इंतजार करेंगे हम उसकी फोन की धमकियों का इंतजार? नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं नताशा को फांसी पर लटका देखना चाहती हूँ। मेरा जीना हराम कर दिया है उसने। होश में आके बात करो वृंदा। नहीं, मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी। तुम्हारे दिल में शायद नताशा के लिए प्यार होगा, बट आई हेट हर, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शट अप। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम मेहर और पापा से कभी मिल नहीं पाएंगे। तुम्हारे एक गलत कदम से इन दोनों की जान जा सकती है। आई वॉन्ट यू वृंदा, जस्ट वेट एंड कीप क्वाइट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। बस बस बस, चलो। भाभी, भैया, आप लोग पापा और मिहिर को साथ नहीं लाए? प्लीज से समथिंग, आप लोग खामोश क्यों हैं? कहाँ है पापा और मिहिर? आ जाएंगे, आ जाएंगे। मगर कब? उन लोगों ने अपना ठिकाना बदल दिया है। मैं जब वहां पहुंचा तो वृंदा वहां पहले पहुंच चुकी थी, और वो लोग ट्रैप समझ के वहां से भाग गए। अभी आपने ऐसा क्यों किया? आई डोंट ब्लेम हर। भैया, अब क्या होगा? शाह साहब, कहिए सौदा हुआ? हाँ कपूर साहब, करीब 4 करोड़ तक का सौदा होने की आशा है। मुझे आशा पे नहीं, सौदे पे विश्वास है। और 4 करोड़ तो बहुत कम होते हैं, उसकी वैल्यू कम से कम 8 करोड़ है। अरे ग्राहक किधर है? बाजार में मंदी का माहौल है, खरीदारी बंद है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 10-20 लाख ऊपर करने की। अगर बंगले का बात होवे तो 10 तक पार्टी निकालता हूँ मैं। कहो तो मैं भी बिकने के लिए तैयार हो जाऊँ। शाह साहब, नाराज काहे को होता सेठ? अरे मेरा तो सिर्फ 2% का लालच है। शाह साहब, आपको सोचना चाहिए, कितना बिजनेस मैंने आपको दिया है। देखो सेठ, बंद मुट्ठी को बंद ही रहने दो। अगर ये बात मार्केट तक फैल गई तो आपके यहाँ माल आना बंद हो जाएगा। सीधा कहिए शाह साहब, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाए। ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। सवेरे होने तक बता दीजिए, कल का कल सौदा करवा दूंगा, आगे भगवान जाने। हेलो। हाँ, मेरी बात एक याद रखना, अगर कोई चालाकी करने का इरादा हो तो साथ में एक एम्बुलेंस भी ले आना, दो लाशें जो ले जानी पड़ेगी। तुम अगर मुझे ना भी धमकाओ तो भी मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बताओ कहाँ हो तुम? डीएन रोड पहुंचकर मेरे अगले फोन का इंतजार करना। अरे रो मत उर्मिला, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी, सिर में दर्द हो रहा है। अभी मुझे मिहिर की बहुत याद आ रही है। मुझे पता, वो मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। मैं हमेशा उससे झगड़ा करती थी ना। अभी प्लीज मिहिर को कहिए मैं आज के बाद कभी नाराज नहीं होगी। आई प्रॉमिस, आई रियली लव अभी।
हाँ मैं ये डीएन रोड पे पहुंच गया हूँ। तुम्हारे आसपास MH.02T543 नंबर की ऑटो रिक्शा खड़ी है। उसे जाकर कहना तुम्हें SV रोड आइस फैक्ट्री पहुंचना है। वहां पहुंच के मेरे फोन का इंतजार करना। क्यों क्राइम थ्रिलर की फिल्म की तरह हरकतें कर रही हो? यहाँ पर आओ, माल ले जाओ और मेहर और पापा को छोड़ दो मेरे पास। Do as I say, Suri. अब क्या करना है? वहाँ एक ऑटो खड़ा है, उसमें बैग रख के वापस यहाँ आ जाना। मेरा बेटा कहाँ है? अगर उसे जिंदा ले जाना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रही हूँ, और अगर लाश ले जाना चाहते हो तो जो तुम्हारे दिल में आए वही करो। You will die a dog's death. You will not be invited to the funeral. Now move! मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरे बेटे और मेरे पापा को मेरे हवाले कर दो। अब तुम घर जाके उनका इंतजार करो। मैं पहले बैग चेक करूंगी और फिर उन्हें घर भेजूंगी। गुड नाइट। देखिए, वैसे तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न है नहीं आपकी मम्मी की मेमोरी लैप्स का। कभी वो लोगों को पहचानती है, कभी खुद को भी नहीं जान पाती। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा डॉक्टर, क्या ये सफ़र कर सकती है या नहीं? आप देख रही हैं उनकी हालत कितनी कमज़ोर है। कैन शी ट्रैवल और नॉट डॉक्टर? आप रिक्स लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। वैसे इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि सफ़र इंतहाई आरामदेह होना चाहिए। यू हैव गॉट टू टेक केयर ऑफ हर। दैट्स माई कंसर्न। इनका कैसे ख्याल रखा जाता है मुझे अच्छी तरह आता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके। नहीं आई हो? डॉक्टर हो? मुझे घर जाने दोगी? प्लीज मुझे घर जाने दो। अरे हमारा अधिकार कब तक भीख की तरह मांगते रहेंगे हम? अधिकार छीना भी जाता है और हम छीनेंगे हमारा अधिकार। हमारी जेनरेशन अगर लाचार और मजबूर हो गई तो आने वाली जेनरेशन अपंग हो जाएगी। अपंग। देखिए देखिए अपंग क्या होता है, क्या हालत होती है उनकी। ये मेरी माँ है, पर इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि मैं इनकी बेटी हूं। और ये भी नहीं समझ रही कि आप लोग कौन हो और यहां किस लिए आए हैं। अरे सुनो, तुम्हें ना डॉक्टर शाह ने बुलाया, तुम जाओ माँ जी को टहला देते। डॉक्टर, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं?
डॉक्टर, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल से आया हूँ, मुझे पेशेंट से कुछ अकेले में बात करनी है। अच्छा, आप इनकी हिस्ट्री के पेपर्स लेके आए? ओके जी, ठीक, थैंक यू। मेरी माँ कहाँ है? वो मैडम सुबह एक लेडी डॉक्टर आई थी। Where is my mother? सॉरी मैम, वो तब से नहीं मिल रही है। और कोई मेरी माँ को लेके गया और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं? मैम आई एम सॉरी, ये हमारी गलती। पहले मैं मेरी माँ को ढूंढूंगी, उसके बाद आकर तुम्हें और तुम्हारे हॉस्पिटल को इस गलती का जवाब दूंगी। यू आर अ डेड मैन सुरेंद्र कपूर। क्या हुआ भी? ये क्या हुआ? Shut up, you old man! और आई विल किल यू। क्या किया इस बच्चे ने? अब तो तुम्हें पैसे भी मिल गए, और क्या चाहिए? तेरी पूरी खानदान की मौत, तेरा दामाद मेरी माँ को धोखे से अपने साथ लेके गया। मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। छोड़ना अपनी माँ को नताशा, सूरी क्या करेगा उसका? बेचारे को दुख से छुटकारा दिलाएगा, और क्या? भूल जा यार बुढ़िया को, भूल जा। क्या कहा तुमने? बुढ़िया? बुढ़िया कहा मेरी माँ को? और किसी को अपनी राय देनी है? You want to say something? I want Suri. ढूंढो सूरी को। बोल। हाय नताशा डार्लिंग। सूरी, मेरी माँ कहाँ है? देख, मेरी माँ को लौटा दे। इसके पहले कि मैं पागल होके तुम्हारे बेटे की जान लूँ। So go ahead and do it. Kill my son. Suri! और चीख, चीख जितना मर्जी चीखना तेरे को। मैं तेरी माँ का वो हश्र करूँगा कि तू देख नहीं सकती। No. No, Suri. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऐसा ही करूँगा नताशा। जिस तरह तूने मुझे टॉर्चर किया है, वैसे ही मैं तुझे टॉर्चर करूँगा। Okay. Suri, मैं तुम्हारे बेटे और ससुर को लौटा दूंगी। This is my promise. तो सुन, एक घंटे में बोटैनिक गार्डन के पास मेहर और पापा को लेकर पहुंच जा, और मेरा दिया हुआ माल भी ले जा। और हाँ, तू अकेली आएगी। अगर तेरे साथ तेरे कुत्ते आए तो तू अपनी माँ की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। वहां पहुंचकर मेरे फोन का इंतजार करना। मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुम्हें बर्बाद करना ही मेरे जीवन का मकसद है।